स्वागत है आपका मेरे ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज #4। तो गाइस जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में हमने बनाया था मेगा यानी कि जाइंट एक्सपी फार्म, और ये बहुत ही तगड़ा वर्क कर रहा है, हमको बहुत सारा माल भी दिया है। और एक्सपी तो आप मेरी देख सकते हैं 36 है, पिछले एपिसोड में मेरे ख्याल से मेरी पास 31 थी। हाँ तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा बहुत माल पड़ा है, एक एनचेंटेड कैप थी जो इनने पहन ली है, लेदर की थी तो कोई खास नहीं थी। और हमने यहाँ पे थोड़ा एक पोर्टल भी बना लिया और थोड़ा बहुत काम धाम कर दिया है। क्या क्या करा था आपने? ये एक तो इसमें ये मैंने पोर्टल बना दिया और थोड़ा सा आइटम कलेक्ट कर लिया। हाँ तो गाइस हम बनाने जा रहे हैं आज एक विलेजर टाउन हॉल, जिससे कि हम बड़ी आराम से बिना किसी डर के नीदर वगैरह जाके घूम सके, एक्सप्लोर कर सके। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए बढ़िया बढ़िया गियर यानी कि आर्मर वगैरह, स्वॉर्ड वगैरह, थोड़े बहुत डायमंड्स, पर उससे काम नहीं होगा। तो इससे हमको बढ़िया विलेजर से ट्रेड कर लेते हैं। तो विलेजर को पहले सेव करने के लिए हमको एक चाहिए विलेजर टाउन हॉल, तो हम उसको यहीं कहीं बनाएंगे। पर उसके लिए हमको सामान वगैरह चाहिए, तो हम जा रहे हैं पहले तो नीदर। अगर मैं आपको दिखा दूं कि हमारा नीदर कहाँ पे खुला है, तो हमारा नीदर गाइस वो क्रिम्सन फॉरेस्ट में खुला, वो रेड होल है ना, तो ठीक ठाक जगह है। फिर हमको यहाँ पे आके वो नीदर फॉर्ट्रेस भी ढूंढने, उससे पहले हमको अच्छी वैसा आर्मर वगैरह चाहिए, गियर वगैरह चाहिए। तो तभी हम बना रहे हैं एक विलेजर टाउन हॉल, वो भी बढ़िया से बनाएंगे और उसके अंदर विलेजर एकदम सेफ रहेंगे, बिना किसी जॉम्बी के डर के वगैरह वगैरह सब अच्छे से लेंगे, इसलिए हम टाउन हॉल बना रहे हैं। तो देखते हैं ये पूरा रेड वाला एरिया, और तभी हम गोल्डन के जूते पहन के आ गए। तो हमको यहाँ पे थोड़ी बहुत वुड वगैरह चाहिए, और वो जो वाइन्स दिख रहे हैं वो भी चाहिए, और स्ट्रूम लाइट चाहिए। तो वुड भी चाहिए ना, देखना ये वो मत तोड़ने लग जाना, क्या बोलते हैं गोल्ड नगेट्स, नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे, यहाँ थोड़ा गेम लैग होने लग जाता है, ये उड़ता रहता है फॉग जैसा, तो हवा में क्या हो सकता है। देखो थोड़ा वो ट्विस्टेड वाइन्स है ना वो चाहिए, और एक काम करो मशरूम ले लो, मशरूम बहुत काम आता है पोशन्स बनाने में, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर मशरूम तो ये बहुत मिल जाएगा। हाँ चलो मशरूम छोड़ो, तो मेरे को थोड़े से ब्लॉक्स लेके ऊपर जाना पड़ेगा यार, वहाँ ऊपर बहुत इधर एक नदी है, काहे की लावा की, लावा लेक ना, वाटर की तो हो ही नहीं सकती। आपको वो बनाना आता है बेसाल्ट जनरेटर? नहीं यार बेसाल्ट जनरेटर बनता है? हाँ बनता है, मैं देखा वो एक यूट्यूबर को, मैंने कल देखा था कि बना रहा है, आइस से बनता है, आइस रखना पड़ता है, बट वो मुझे सही से पता नहीं है। बस खाली लावा को उससे टच होना चाहिए तब बन जाएगा वो, पर वो आगे चलता रहता है वो। अरे वो तो मतलब ब्रिज बनाने का है। तो यहाँ से हमको और भी थोड़ा ट्विस्टेड वाइन्स मेरे को इसलिए चाहिए ताकि मैं थोड़ी अपने रैंडम डेकोरेशन कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत तगड़ी दिखती है, आपको पता ही होगा नीदर वाट की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सोचता हूँ ये नीदर वाट का सीधा नॉर्मल नीदर वाट क्यों नहीं बनता, थोड़ा बहुत लॉजिक की तो इन्हें धजिया उड़ा दी है। तो यहाँ पे ये एक तो बहुत ही स्लो टूटते हैं, तो इसको हम नीचे आके थोड़ा बहुत ले लेते हैं, ताकि हम मतलब लाइट सोर्स एकदम अच्छा बन जाएगा इससे, और दिखते बहुत ही बढ़िया है। तो मेरी थोड़ी लगे गेम लैग होने लग गई, नेटवर्क का लफड़ा हो रहा है, तो कहीं नहीं थोड़ा बहुत तो होता रहता है। तो आप कहाँ पर हो? नहीं तो मैं वुड इकट्ठा कर रहे हो क्या? हाँ तो गाइस मेरे को एक कमेंट आया था कि आप क्रिएटिव में खेल रहे हो, आपके पास लीव्स बहुत ज़्यादा है। तो गाइस आपको पता ही होगा कि नॉर्मली हमको वो क्या बोलते हैं लीव्स बहुत ही आराम से मिल जाती है, तो जो हमने वुड वगैरह काटी थी उससे तो आपको पता होगा कितनी जल्दी मिल जाती है। मैंने सोचा श्रीयर से काट लेते हैं बहुत काम आएगी। क्या वह गेम लैग हो रही है? लगे थोड़ी बहुत नहीं, मेरे को लगा गेम लैग हो रही है। क्यों नहीं करो इनको एक बार वो अचीवमेंट्स वो अपनी मिल रही है अचीवमेंट्स वो दिखा देना, अगर किसी को शक वगैरह हो तो कि भाई अपन क्रिएटिव में अगर खेलो दिखाई देता हूं। गाइस अचीवमेंट्स कैन बी अर्न इन दिस वर्ल्ड, आपको पता होगा यहां लिखा हुआ रहता है, मैं सेटिंग्स में आके दिखाई देता हूं। मेरे पे फालतू मत शक करा करो गाइस, इतनी मेहनत से बनाता हूं तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है क्या? हाँ तो गाइस देख सकते हैं सर्वाइवल में ही हम, और कुछ भी नहीं है। तो अचीवमेंट्स कैन बी अर्न दिस वर्ल्ड नहीं दिखा रहा है, पर हम गाइस सर्वाइवल में ही अच्छा, है वो तो वहाँ पर दिखाता है, हाँ होम पेज पर। हाँ तो गाइस वो भी मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगा। तो हमको क्या चाहिए? वुड। आपके पास कितनी वुड हो गई? 18। मेरे पास 25 ही है। वाह मैं तो बातों में तब भी काट रहा हूँ, फिर भी मेरे पास 25 है। इससे स्ट्रीम लाइट उखाड़ लो तो ना ये लाइट नहीं दिखती बिल्कुल भी। ग्लोस्टोन भी है यहाँ पे, तो ग्लोस्टोन से रिस्पॉन एंकर बनता है, तो वो भी ले लेंगे। तो इस वुड का करेंगे क्या अपन? तो गाइस जो विलेजर टाउन हॉल बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर तो पूरे सौरव को क्रेडिट जाता है, मेरे को तो पूरा नहीं आता। वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं उसको फिल कर दूंगा, बस यही काम है मेरा। तो ये ट्विस्टेड वाइन है मेरे पास, देखो। और वो स्ट्रीम लाइट कितनी है आपके पास? 5। मैं देखता हूँ मेरे पास कितनी है। और ये भी ले लेते हैं क्रिम्सन फंगस, वो भी है, ये भी बहुत तगड़ी दिखती है। और मशरूम है ना वो भी ले लेना, मेरे पास 8 है। सब कुछ मेरे पास ज़्यादा आपसे क्या कर, वो आ गया क्या वो हूँ आवाज़ आई मेरे को। अरे तोड़ दूँगा।
चलो यहाँ पे और थोड़ा बीन बांध लेते हैं, फिर चलते हैं अपने घर, है ना। तो हम इसको वुड को इकट्ठा कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा ज्यादा चाहिए क्या है? नहीं बस चलते हैं, मेरे पास तो 37 हो गई है। मैं गाइस आपको पता हो कि अगर इसको कैसे उगाते हैं, वापस से उगा सकते हैं तो लोगों पर कमेंट में जाकर जरूर बताना। मेरे को ज़्यादा पता है कि नहीं उगा सकते इनको, मतलब एक टाइप के तो ये पेड़ ही है ना। रुको यहाँ पे थोड़े बहुत जो पास में स्ट्रूम लाइट है, मैं इसको उखाड़ के ले आता हूँ। देखो एक बार रात हो रही है क्या वहाँ? बारिश हो रही है, तो रुको मैं आ जाता हूँ। तो गाइस वो जो हमारा एक्सपी है बहुत ही तगड़े तरीके से वर्क कर रहा है, हमको बहुत लग रहा है कि एक्सपी दे रहा है। अब मैं तो भाई अरे आज तो यहाँ से जाने में बहुत टाइम लगता है। काफी मॉब्स तो गिर के मर जा रहे हैं। हाँ गाइस बहुत से मॉब्स तो गिर गुरा के मर जा रहे हैं, पर हमको उसका मॉब ड्रॉप तो मिल ही जा रहा है। मेन हमको उसका मॉब ड्रॉप चाहिए, मेन एक्सपी से। एक्सपी तो हमको थोड़ी बहुत ही चाहिए थी, बट ये कहाँ खुला है पोर्टल मेरा? ये मेरा पोर्टल कहाँ खुल गया? 313 कुछ करके मेरा गाइस लगे, मैं कुछ पोर्टल में लफड़ा आ गया। आप कहाँ पर हो? किस साइड? ये जगह देखी देखी लग रही है मेरे को, तो मेरे को इस साइड जाना है ना। हाँ 400 उधर। तो भाई मेरा तो कुछ पोर्टल में लफड़ा आ गया, उधर खुल गया। कहीं नहीं, अपने को रोज नीदर में भी काम नहीं रहता, खाली बुलेज वगैरह लाने पड़ते हैं, और ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ तो देख सकते हमारा घर यहाँ पे आ चुका है, कहीं नहीं लगता बारिश का कुछ लफड़ा हुआ होगा। तो गाइस अगर आपको ये कुछ पता हो तो कमेंट में जाके जरूर बताना। और देख सकते तो बहुत ही तगड़ा दिख रहा है, मैंने कहा था ना ब्रिक्स का बहुत ही बढ़िया दिखता है। फट रहा था क्या? ऐसे तो नहीं फटता मेरे को लगा। नहीं नहीं वो मैंने मुंह घुसेड़ लिया ना यहाँ से, उसको टेढ़े में फट जाता ना तो वाट लग जाती पूरी उसकी। हाँ मैं तो बस ट्राई कर रहा था, तो वो मतलब वो होने लगा झिझकाने का, वो अरे मतलब क्रीपर है ना, क्रीप करने लग गया, डराने लग गया। हाँ तो इस फूड को इकट्ठा करके यहाँ रख देते हैं। तो गाइस मेरे को ये भाई लीव्स का क्या है? लीव्स तो यूं ही कट जाते हैं गाइस, आपको पता ही होगा। लीव्स जैसे अगर क्रिएटिव में जाएगा भी कोई आदमी तो लीव्स क्यों लेके आएगा? डायमंड्स लेके आएगा ना। हाँ तो मेरे को ये ट्विस्टेड वाइंस का काम था, और अभी मैं आपको भी अगर किसी को शक हो तो हम जाके वो, हाँ देख सकते हैं 19 डायमंड है हमने कर रखी है माइनिंग, उसको आपको दिखा सकते हैं। वैसे आपको मैं दिखाई दिया था, तो मेरे को एक तो ये यहाँ लगाना है। हाँ ये यहाँ ना, हाँ एक यहाँ लगा देते हैं। नहीं नहीं यार यहाँ नहीं। हाँ ये ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो गाइस देखते हैं जैसे ही बढ़ जाएगा बहुत ही तगड़ा दिखने वाला है, इसकी लुक एकदम घर में थोड़ा लगा देंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। रात हो गई मेरे ख्याल से, सो जाते हैं तो अभी तो नहीं है रात हुई है, पर थोड़ा रात जैसे ही मौसम होता है। बना के लिया तो करो। क्या बना के लाऊं? अरे इतना क्या प्लैंक्स? अरे प्लैंक्स नहीं, वो क्या नाम है उसका, अरे स्टेयर्स और एक काई की नॉर्मल नॉर्मल तो नॉर्मल ले लेंगे तो लगे। नॉर्मल की कितनी चाहिए? एक काम कर, कितनी चाहिए जल्दी स्टेयर्स बना ले चार। अरे यार थोड़ी सी और चाहिए, तो यहाँ पे 50 वुड है इसकी ले लेते हैं। तो गाइस वुड हमने इसीलिए ऑफलाइन लेके कलेक्ट करी क्योंकि विलेजर टाउन हॉल में ये बहुत काम आने वाली है, और हमने सोचा थोड़ा कंक्रीट वगैरह का मिक्सअप वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लुक आने वाली है। और क्या चाहिए आपको? एंड एक वो प्लैंक शॉवल तो मेरे पड़ी हुई है मेरे ख्याल से, भले उसकी लिया चलेगा, स्टोन की है ना ये ले लो। अरे वाह बढ़िया लुक आ रही है, ठीक ठाक है। हाँ यहाँ पे लगानी थी क्या आपको रूम लाइट? नहीं वहाँ पे भी लगानी थी, लेकिन और लेंगे तो हॉर्स देख रहा आपको। एक काम करे ऊपर की वो तोड़ दो और उसके ऊपर कुछ लगा दो। रुक जा, दो में तो स्टेयर्स है, दो स्टेयर्स चल सारी देना दो से। हाँ तो ये लो स्टेयर्स। और क्या चाहिए आपको? हाँ बढ़िया लग रहा है, एक काम करो यहाँ से यूँ मोड़ दो। हाँ मोड़ देना। अरे क्यों घोड़े को मार रहे हो, क्या बिगाड़ा उसने आपका? मोड़ दो उसको, ये सीधा अच्छा नहीं लग रहा यहाँ से। हाँ ये ऐसे ही गाइस, ये तो बहुत ही तगड़ी लुक आ रही है। आपको पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए गाइस, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ। ये किसको भी मोड़ो ना, ये कैसे कर रहे हो? हाँ रुको मैं कर रहा हूँ। हाँ तो जैसे तो बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है, सीधा अंदर जाओ सीधा बाहर आओ। और एक पोर्टल तो वहाँ खुला है, मेरे को गुस्सा आ रही है, मेरा ही खुलना था क्या? इनका खुला था तो बात भी रहती। देखते कोई मॉब आया है क्या? नहीं मॉब नहीं आया अभी, एक तो आधे ज़्यादा गिर गुरा के मर। आग के पास थे तो मेरे को दे देते, वो बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे यार सॉरी, तो बूट्स का तो कुछ काम ही नहीं आया। अब क्या अपने को टाउन हॉल बनाने की शुरुआत करनी है ना? हाँ, तो पहले काम करते हैं, जगह डिसाइड कर लेते हैं, फिर अभी तो रात हो जाएगी फिर सो जाएंगे अपन। कहाँ बनाने हैं? तो एक काम कर, तू ये सब आइटम लेकर क्या मैं देख रहा हूँ
ये सब। हाँ ठीक है तो गाइस देख सकते हैं ये जोन से, ये जोन से ब्लॉक से हम इन सब का बनाएंगे, इन सब का कॉम्बिनेशन का, और कंक्रीट का भी तो बनाना है। मैं कंक्रीट ला रहा हूं। और हमारे पास वो डाई से कहाँ चले गए, आपने ले लिया क्या? नहीं डाई मेरे पास नहीं। हाँ तो व्हाइट डाई का बनाएंगे गाइस, आपको पता ही होगा घर बनाते बनाते कितना लफड़ा हुआ था व्हाइट डाई का, तो पर कहीं नहीं थोड़ा मिल चुके एक्सपी फार्म की बदौलत, तो मेरे ख्याल से रात हो गई है, रात हो गई ना। वो बड़ी ट्विस्टेड वन ना, बड़ी बड़ी स्लो बढ़ती है, तो अभी भी रात नहीं हुई, रात होने वाली है मेरे ख्याल से, जल्दी सो जाए। तो कहता सोचता हूँ कि हम पट्टू की तरह सोते हैं, कि हम पट्टू नहीं है गाइस, वो जो वहाँ पे विलेजर है ना वो मरमुना ना जाए इसीलिए, और मतलब थोड़ा सुबह काम करना अच्छा लगता है, तो बारिश हो रही है तो जल्दी से हम मिल जाते हैं सुबह, मिल जाते क्या सुबह हो भी गई क्या पता चला। तो अब हमको बनाना शुरू कर देना हमारा विलेजर टाउन हॉल, और हम डोर लगाएंगे आयरन के, ताकि आयरन से क्या होगा कि वो भाग नहीं पाएंगे बाहर, है ना, नहीं भाग पाते ना। और किस साइड बनाना है जल्दी बताओ, इस साइड ठीक है क्या, इस साइड अभी इसके लिए अपन जगह देखते हैं, दो सेकंड रुकना। तो गाइस हमको जगह भी डिसाइड करनी पड़ेगी, रेड डाई तो कहाँ से मिलेगा, हम अब फूल पड़े थे कहाँ पे थे मेरे को नहीं याद है, डैंडेलियन या फिर मतलब कोई से दूसरे कलर भी चलेगा, मतलब जो कलर अच्छा लगे अपने को। रेडस्टोन से अगर डाई बनता तो कितना बढ़िया, लैपिस लाजुली ले दूं। हाँ वो लैपिस लाजुली से कौन सा डाई बनता है, ब्लू डाई कर लेते हैं। हाँ चलो वो वाला देते हैं, ये ले लो 21 ठीक है। हाँ ये लो, पर लैपिस लाजुली तो एक रॉक है यार, इसका कैसे डाई बन सकता है। हाँ पर है एक तो था ब्लू कलर का ही, कहीं नहीं माइनक्राफ्ट एक सर्वाइवल गेम है, रियलिस्टिक ही है, पर नीदर नहीं होता इसलिए, पर अपने को तो खेलने से मतलब है। तो यहाँ पे अभी मेरे को थोड़ा बदलाव करना है, किचन वगैरह बनाना है और एनचांटिंग टेबल वगैरह बनानी है। एनचांटिंग टेबल के लिए तो मेरे पास डायमंड्स थोड़े पड़े हैं जो माइनिंग के दौरान हमको मिले थे, तो उनका भी यूज़ एकदम अच्छे से होता है, उठाएंगे हम। तो अरे डायरेक्ट ब्लू डाई मेरे को क्यों दे दिए, इसको रख दूँ, ब्लू डाई रख देते हैं। और 31 डाई भी रह गया, 31 वाइट। हाँ तो उसका कंक्रीट बना लो ना, है ना। और जल्दी चल, जल्दी से थोड़ा सा शावल भी है, चलो सैंड, वो सैंड करो सैंड, वो एक में सैंड पड़ी होगी, सैंड वाइन कहाँ पे, चेस्ट में, फर्नेंस में, फर्नेंस में। हाँ मैं देखी थी थोड़ी, वो बनने लगते है उसका सैंड का, मतलब कांच है। हाँ ग्लास बनाना, कौन चेस्ट में पड़ी है क्या, नहीं शायद इसी में पड़ी होगी, एक बार मैं बना रहा था ना मेरे घर के लिए, तो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी नीचे वाले फर्नेंस में मेरे को तो नहीं दिख रही यार, कहाँ पड़ी है ऐसा, वह किसी एक में कुछ जल, अच्छा हाँ चल छोड़, वो अभी निकाल दी मेरे को वो पिघलाना था। तो अभी आप क्या माइंड कर रहे हो, सैंड रुको मैं भी आके माइंड करूँ, सैंड नहीं नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए। तो कंक्रीट का बनाएंगे और ब्रिक स्टोन का बनाएंगे, ब्रिक्स का बनाएंगे नॉर्मल ब्रिक ब्लॉक, और वुड का, क्योंकि वुड से पिलर वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन आती है, वुड से ही लुक आएगी, वुड से आएगी ना कि प्लैंक्स बनाएंगे गाइस, वुड का ना कि प्लैंक्स का, वुड नहीं मतलब लॉग का। चलो गाइस मेरे को बहुत दिन से कमेंट आ रहे हैं कि इनका घर अच्छा है, गाइस मेरे घर के तो कोई कदर ही नहीं रहेगी, जबकि मैंने कंक्रीट का बनाया, कहीं नहीं मेरे को भी इनका घर ज़्यादा अच्छा लगा है, मतलब इनने पाथ वगैरह एंट्रेंस वगैरह बहुत ही अच्छी बनाई है, और मेरे घर में तो खाली मिरर ही मिरर है, मतलब अंदर का डेकोरेशन मैंने थोड़ा ठीक ठाक करा है। मॉडर्न हाउस है ना, मॉडर्न हाउस में मिरर ही तो रहेगा। हाँ मॉडर्न हाउस में मिरर ही रहता है, ये बात तो है, मैं मेरा नोटिस बता रहा हूँ मैंने तो। हाँ कहीं नहीं चलो कि मॉडर्न हाउस में, और मेरे घर में कोई डेकोरेशन नहीं, खाली दो फ्लोर है, आके मैं रूम ही रूम है, बढ़िया सा लग रहा है, मतलब छोटा दिख रहा है पर बढ़िया अंदर से। गाइस हम सीक्रेट रूम वगैरह भी बनाएंगे, ऐसे कि यहाँ से नीचे सीक्रेट रूम ट्रैप डोर वगैरह के, ट्रैप डोर नहीं उसके पिस्टन वगैरह के द्वारा थोड़ा थोड़ा बहुत चलाना आता है, इतना अच्छे नहीं चलाना आता, रेडस्टोन की गाइड थोड़ी बहुत आती है। तो यहाँ पे ये उगना शुरू हो गया, तो देखते हैं मेरी ट्विस्टेड वाइन होगी क्या ऊपर। तो मैं तो आ लूँ गाइस, जो मेरा बेडरूम था ना मैं ये नॉर्मली बना दिया था मजे मजे में, पर अच्छा दिख रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जाकर जरूर बताना। हाँ देख सकते हैं अच्छी लग रही है, देख सकते हैं इसे पर्दा जैसा लग रहा है, पर्दा तो है नहीं गेम में, तो इसको थोड़ा पर्दे रूप में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एक लिफ्ट टाइप भी है ये तो चलो अब बनाना शुरू करना है ना। पर बनाना नहीं है जगह सोचा, मैं क्या सोचा पोर्टल के पीछे बनाते हैं, तो क्या कहाँ बनाएंगे बताओ, थोड़ी सी अपने को जगह क्लियर करनी। हाँ तो चलो क्लियर करना शुरू कर देते हैं ना शॉवल से। शॉवल ले अपना। हाँ तो गाइस हम इस जगह को क्लियर करना शुरू कर देते हैं। हाँ तो गाइस जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं हमने पूरी की पूरी डर्ट क्लियर कर दी, और यहाँ पे थोड़ा जगह प्लेन कर दिया, ताकि हमारा जो विलेज का टाउन हॉल है एकदम अच्छे से बने बिना किसी अड़ंगे के। तो यहाँ पे हमारी शावल वगैरह टूट गई थी, तो मैंने कहा आयरन की बना लेते, बार बार कहा स्टोन की कंजूसी करके बनाए। तो यहाँ पे थोड़ा पाथ वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास सिल टच होती तो डायरेक्ट ग्रास ब्लॉक ही लगा देते तो बढ़िया रहता, पर यहाँ पे हमारे पास
खैर मतलब मौजूदगी में तो है नहीं, तो अभी एन्चेंटेड टेबल वगैरह बनाएंगे तो सिल्टेस लगा देंगे एक शॉवल पर जो कि बहुत ही फायदे बन रहेगी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे विलेजर टाउन हॉल, अभी तो रात हो आ रखी है तो जाके हम सो जाते हैं। तो आ जाओ सोने सोने से सोने से आ जाओ। एक काम करो, ये पानी क्या डाल रहे हो, पानी से घास नहीं उगेगी क्या? अरे मैं तो अच्छा घास हटा रहे हो है ना, तो पानी की छोड़ गए समझ जाता है मेरी भावना। तो आ जाओ सोना आ जाओ। अच्छा पानी छूटा रहे, वही मैं यहाँ टैप कर रहा हूँ, मैं बोल रहा पानी अटक गया क्या बाल्टी में? पानी कहाँ से अटक सकता है। तो गाइस अभी हम सोने जा रहे हैं, फिर हम बनाना शुरू करेंगे हमारा विलेजर का टाउन हॉल। तो पहले तो बनाएंगे स्ट्रक्चर और मेरे को खाली उनको फिल करना है क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। सो जो भी आइडिया है वो पूरा क्रेडिट जाता है सौरभ को, सौरभ भैया को। तो चलिए अभी सुबह हो चुकी है और हम बनाने जाते हैं, शुरू कर देते हैं। तो पहले तो यहाँ से नीचे चलिए, लैडर लगा के ठीक ही करा, अभी स्टेयर्स लगा तो पूरा गड़बड़ा जाता है एरिया। ये फर्नेस तो बहुत बेकार लोग दे रहे हैं, ठीक ठाक ही चलो। वहाँ का पोर्टल से जा रहे हो तो वहाँ पे अभी एक जल्दी से ग्रास उग गया, तो इस साइड कैसे बनाना, किस डायरेक्शन में डोर वगैरह लगानी है? क्रिम्सन वाला वो है एक भी। हाँ पड़े ना शायद, प्लैक्स ये क्या? नहीं लकड़ी देते हैं। हाँ रुको लेके आता हूँ, तो अभी तो घर में रखा था मैंने, एक काम करता हूँ ना रुको। क्या ये क्या? ये शॉर्टकट लगा रहा हूँ जल्दी से लेके आने के लिए। कहीं नहीं चलो, वाइट डायमंड तो दिख गया, ये देखो 42 पड़े हैं, जल्दी से ले लो। ले लिए ये पड़े हैं वहाँ क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर सामने, चेस्ट खोल के क्या पड़े हो, तो जल्दी से ले लो और मैं ये अपने वापस से रिपेयर कर देता हूँ। मैं भी कुछ भी करता रहता हूँ, नया डोर बना रहा था मैं तो। कहीं नहीं अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, डोर बनाया था प्रॉपरली तो क्यों करो ऐसा, मैं खुद को ही कह रहा हूँ फालतू में। तो ये क्या कर रहे हो फालतू में, इतना डेकोरेट मत करो। अच्छा हाँ ठीक ही लग रहे हैं, हाँ पीछे से भी सेम डिजाइन, हाँ तो कर दिया चलो ठीक है। तो ये वापस से ट्विस्टेड वाइंस वैसे वहाँ पे भी लगाने ना, ये थोड़ा अलग ही टाइप से लुक ला रही है। तो गाइस पोर्टल को भी हमने बढ़िया सा बना दिया, कमेंट में जाके जरूर बताना कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे भी एकदम कर देता है सेम, आपसे पहले ही कर दिया। तो चलो ना अपन टाउन हॉल बनाने आए कि पोर्टल बनाने आए हैं, चलो। मेरे को तो डर है कि विलेजर ना मर गए अपने, नहीं, मरे तो नहीं होंगे, रेंडर डिस्टेंस से बाहर है वो, इसलिए मैं रेंडर डिस्टेंस कम करके खेलता हूँ और लैग भी नहीं होता, ये भी बात है। तो कहाँ है आप? मेरे को उनकी स्टेयर्स चाहिए। उनकी हाँ चलो बना लो। और कंक्रीट बनाया है? हाँ। तो ये पास जो गाइस बनाई है ना हमने, इसको चेंज कर देंगे, पर ये भी बहुत ही बढ़िया लुक दे रही है। और क्या क्या बनाना चाहिए? तो गाइस आपके पास कोई सजेशन हो कि ये सब बनाओ ये सब बनाओ तो कमेंट में जाके जरूर बताना, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा और बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आ जाओ ना जल्दी से। पोर्टल की लुक अच्छी लगती है, मेरे को लगा थोड़ी चेंज होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे स्टेयर्स बना रहो ना? हाँ ठीक है। तो ये शॉवल लगा दो ना वहाँ पे थोड़े, मतलब पास बना दो। नहीं अभी नहीं, तो उधर भी सेम ये ले करो, एक काम ले, एक हाँ तो उसका पानी में भिगो के ले आऊँ? नहीं नहीं पानी मत भिगो अभी, ले ले खाली है ना, रुक जा मैं काउंट करने दे। कम तो नहीं पड़ेंगे ना क्या? एक काम करता हूँ मैं क्राफ्टिंग टेबल भी रख देता हूँ अभी एक। तो डीरेट लगाना चाहिए कि इनको? हाँ चलो डीरेट लगा देते, कहीं हवा में तो गिरा नहीं रहे फिर। तो गाइस ये काउंटिंग वगैरह कर रहे हैं, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, जल्दी करो। ये भी अच्छी लुक देते हैं, गीला कर दो इनको। हाँ चलो बकेट का तो काम है हाथ में, तो बकेट भी ले लेते हैं। और ये गाय अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, अभी कुछ गिर गुरा देगा तुम यार सर पे, फिर मरोगे। चलो जाओ, मजाक कर रहा था तो थोड़ा इसको जल्दी से। हाँ कितने एरिया का बना रहे क्या? ये इसको रिफिल कर दे, रुक जा दो इधर से। तू बोलो ना दो, क्या बोल रहे हो? दो 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 इधर, रुक जा इस सीट्स पर हटा इनको। जब तक आप बनाओ मैं अब तक थोड़ा घूमना फिरना कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो मेरे को पोर्टल बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसको तोड़ के ऐसे पीछे भी लगाने का मन हो रहा है मेरा तो। तो और क्या आपकी खेती कहाँ पे? चलो इसका इसका फ्लोर बना रहे हैं अपन। चलो कहीं नहीं, ये भी अच्छा लगा। अरे यार ये मैं क्या पागल में कर रहा हूँ, और गीला कर दूँ? नहीं अभी नहीं, गीला वाला मत करना। तो ऐसे ही नॉर्मल फ्लोर बस बस बस, रुकिया रुकिया छोड़ दे। हाँ चलो ठीक है, ऐसा भी अच्छा लग रहा है मेरे को, तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है थोड़ा। अच्छा ये क्या कर रहे हो?
वाह मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर तो इन्हीं को बनाना है, मेरे को तो खाली फिल करना है उसको अंदर से, क्योंकि इन्होंने सोचा था कैसा बनाना है, मैं क्या बीच में अड़ंगे दूँ, तो क्या अंदर गड़बड़ खोद दिए क्या? अरे जल्दी करो। अच्छा तो बीच में क्या लगाओगे स्ट्रिप जो दे रहे हो, वैसे सेम उधर भी करूँ? हाँ तो ऐसे ऐसे कर देना हमको, तो बहुत छोटा नहीं बना रहे अपन? अरे अभी लंबा होएगा ना, अभी आप इतना बनेगा फिर उस हिसाब से लंबा होता है। मैं बोला वो छोटा है, तो इसके अंदर क्या भरना है? इसके अंदर मैं भर रहा हूँ क्रिम्सन के, तो ये क्या है? अच्छा ये बढ़िया लग रहे हैं, नाइस, ऐसे ही अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, गीला करने की जरूरत ही नहीं लग रही है, पर कहीं गीला तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आंधी तूफान आ जाएगी उड़ जाएगा ये तो। चलो डालू? नहीं रुकना, तो रुको मैं लगा देता हूँ। हाँ तो ऐसे मेरे को सेम लगाते जाना ताकि अब कवर अप होते जाए, मेरे को बस फिलअप करना है बस, और कुछ नहीं करना है, मेरा काम यही है घर बनाने में था खाली। चलो ठीक है, हाँ बढ़िया लग रहा है, ये तो मेरे को कोई वो फुटबॉल खेलते ना उसकी फील्ड लग रही है छोटी सी। तो डालू पानी? ठीक है, ये ग्रास आ गई तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आना भी बचा थोड़ा बहुत, इसको भी यूं यूं करके लगा देते हैं, और ये थोड़ा डर्ट ही ठीक लग रहा है, कहीं नहीं पर ग्रास तो आनी है फिर लगानी पड़ेगा। इसको छील दूँ लकड़ी को? छील दिया कैसा शब्द है। हाँ तो ये स्टेयर यहाँ से मोड़ दो, नाइस एकदम परफेक्ट लुक आ रहा है। तो यहाँ पे डोर का है कि आयरन के लगाने ना? आयरन तो सफिशियंट पड़ा ना? हाँ पड़ा है, मैं तो पानी डालने पे उत्सुक हूँ। हाँ पिलर बनाना कितना ऊंचा? एक तो यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगाना है। अरे यार वहाँ लगाना है क्या? इसको तोड़ो। तो गाइस पिलर तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं वुड के, खाली खाली वुड के, बाकी के मेरे को तो ठीक ठाक लगते हैं, तो सर सेम इधर भी बनाना है ना? अरे ये क्या, सॉरी बस कभी इसे फ्लिंट एंड स्टील ना लग जाए। तो ऐसे ही बनाते जाते हैं हम अभी, तो शुरू कर देते बनाना, जैसे इसी लाइन में आके ऐसे ही लगा देना यहाँ पर भी। हाँ तो ऐसे ऐसे और लास्ट, यहाँ लास्ट नहीं पे रहा ना? नहीं ऐसा नहीं, आप क्या करवा रहे हो मेरे को? मेरे को तो रखने दो, मेरे पास अभी तक स्वार्ड तक नहीं है, तभी हम विलेजर का हॉल बना रहे हैं, और एक नॉर्मल सी ये कि गोल्डन की बनाई हुई है, और ये लेदर का टैनिक है जो हमको उससे मिला था, एक्सपी फार्म से मिला होगा, एक्सपी फार्म से मिला था ना? हाँ तो समझ जाइए एक्सपी फार्म कितना फ़ायदेमंद है। तो इसको कितना एक्सटेंड करोगे? हाँ चलो बड़ा ही तो होना चाहिए, इतना भी छोटा भी नहीं। और यहाँ पे गए हम सोचे सिटी वगैरह बनाए, एकदम मॉडर्न वगैरह बना रहे ना हम सब कुछ, तो एकदम बढ़िया नाइस एकदम बढ़िया सी लुक आएगी। तो यहाँ ट्रिपल का गैप छोड़ के बनाया ना आपने? हाँ तो यहाँ पे तो ठीक रहेगा। हाँ ठीक है ना, बढ़िया है तो इस, हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया लुक आएगी। तो बड़ा ठीक है। हाँ डाल दूँ पानी अब? नहीं यार रुक जा, थोड़ा सा एक्सटेंड। हाँ कहीं नहीं ज़्यादा पड़े हैं तो ठीक है, एक्सटेंड ही कर देते हैं। हाँ तो यहाँ पे तेरे पास है ना वो कंक्रीट? अब कंक्रीट पाउडर है ना? कितना है अभी मैं क्या मान कितना है चेक कर लेते ना। तो मेरे पास पड़े हैं दो ब्लॉक भर के, यूँ मान लो दो ब्लॉक भर के पड़े हैं ये वाइट कंक्रीट पाउडर। हाँ तो अब लगा दूँ? हाँ तो ये लगा दिया मैंने इधर भी और सेम यहाँ पे भी लगा दिया। तो अब इसको शायद पिलर बनाने ना वुड के, और बीच में क्या रखेंगे मेरे ख्याल से चिजल ना, चिजल स्टोन ब्रिक। ये ठीक लग रहा है, बढ़िया है। तो कंप्लीट होने के बाद देखेंगे कैसा लगेगा। यहाँ पर जो कौन सा ये दूसरा वाला? व्हाइट वाला? नहीं व्हाइट वाला मैं डल, व्हाइट वाले को हटा रहा हूँ, दूसरा। अच्छा हाँ व्हाइट वाला तो ब्लू वाला, ब्लू वाला है ही नहीं मेरे पास। लाओ मेरे को थोड़ा बहुत मैं डालते आऊँगा। अच्छा ले तू इसको खोद के ले जा, मैं डाल दूँगा। हाँ ठीक है मैं खोद के आता हूँ। और सेम ऐसे ये लास्ट में भी करना है क्या? वो देख लो उधर बाउंड्री पे, उधर बाउंड्री पे करना है। हाँ बाउंड्री पे भी कर दिया, बढ़िया लुक। अरे यार क्या, हाँ कहीं नहीं कवर तो होना ही उसको। तो क्या देते हैं तुम वो वाइट टाइगर की खाल जैसी लग रही है ऊपर से, बढ़िया लग रही है, पर ना फ्लोर भी आलिशान जैसा लग रहा है। तो मेरे को कह रहे थे मैं डाल देता, अरे यार बड़ा। हाँ तो ले लो पानी अपनी, आप काम करो उधर जाके डालो,
ये अपनी बाल्टी तो ले जाओ, खाली है ये, क्या रोसा हुआ यार। अच्छा कुछ नहीं, क्या ही नहीं, इन्फिनिट सोर्स बन गया होगा क्या। गाइस गर्ल्स तो बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में आके जरूर बताना। फ्लोर तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, तो इसको भी ले लेते हैं पानी को यहाँ से। इतने पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो माथा पच्ची हो रही है एकदम। यहाँ पे मेरी भूख भी पूरी खत्म हो चुकी है, और थोड़ी गेम लैग हो रही है ना, धीरे कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट बने जा रहा है। तो यहाँ कहीं नहीं, अपने को तो खेलने से मतलब है, और आपके लिए वीडियो बनाना है मेन। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते पहले तो। और रात भी होने वाली है ना, क्या रात होने वाली है ना, अरे मैं ही देख सकता हूँ क्या पूछ रहा हूँ। रात होने वाली है थोड़ी देर में, तो हमको जाके वापस से सोना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी डाल दिया और यहाँ पे भी डाल दिया कंप्लीट। अरे एक बाल्टी खाली है, तो क्या कर रहे हो। तो गाइस तो बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है एकदम। और इसको यहाँ से पिल्लर खड़े करने ना, अब अभी करते ना सुबह। एक काम करते सुबह, सुबह का क्रेटे में थोड़ी ना, अपन तो सुबह कर देते हैं, सोना पड़ेगा अपने को। तो इसके आगे वही तो बोल रहा हूँ, सुबह करते हैं ना, जोक था। चलो आ जाओ अंदर चलते हैं, अभी तो एक्सपीरियंस का अपने कोई भी काम नहीं है। तो गाइस हम ऐसा ही एक घर वगैरह जो हम बनाएंगे ना, एक नीदर में भी बनाएंगे, पर अभी तो हमारा यहाँ पे तो कुछ काम धाम है। हाँ यही घर नहीं डेकोरेट हुआ है मेरा, ग्रेवल पड़ी है मेरे पास थोड़ी सी 48। हाँ उससे अपन बना लेंगे, अपने कम पड़ेगा ना। देखते हैं मेरे चेस्ट में क्या हो रहा है। सैंड चाहिए अपने, ग्रेवल तो अपने पास सफिशिएंट है। सो जा। अरे हाँ हो गया, कुछ हो गया। हाँ तो हम सो जाते हैं और उठ जाते हैं सुबह और बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस जो विलेजर्स है ना, हम उसको बाद में ऑफलाइन लेके भरेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं, टाइम बर्बाद ही होगा और मजे भी नहीं आएंगे। अपन घर की एक बार दिखा देंगे सबको, ताकि सब लोग खुश हो जाएंगे, तो अपन मेन काम लास्ट में। अरे यार क्यों, चलो देखते हैं अभी। तो वीडियो, वो अगर वीडियो ज्यादा लंबी हुई तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, डाटा ज्यादा खर्च होता है, तो एक बार बना के देखते हैं। ज्यादा लंबी हो गई तो हम ऑफलाइन रह के कर देंगे, और थोड़ी छोटी रही तो डाल देंगे ऐसे ही आपके सामने डाल देंगे। पर आपके सामने डालना बहुत मुश्किल है, माइनक्राफ्ट वगैरह बैठाओ बहुत मुश्किल है, आपको पता ही होगा। अरे ये क्या, यहाँ पे थोड़ी बहुत तिनके में क्या बोलते हैं वो दाल में तिनका, क्या काली दाल, क्या पता नहीं कौन से दाल। तो चलो आप पिल्लर खड़े करना, वुड की तो कोई कमी नहीं है। डोर लाऊं, क्राफ्टिंग टेबल ही रख देता हूँ, एक काम करता हूँ रखूँ, छोड़ो रहने दो। तो ये यहाँ पे इनके वर्क स्टेशन वगैरह कैसे लगाएंगे आपको सब पता है ना। तो ये क्या, इसको कैसे बनाना है मैं कर जाता हूँ। हाँ तो इधर भी मैं सेम करते आ रहा हूँ ना, तो ऐसे सेम करते। पिल्लर फिर बाहर क्यों लगाए, हाँ चलो मेरे को क्या मन, मेरे पास ठीक ठाक बचे तो इसको, इसको भी पानी डाल देता हूँ ना। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हाँ चलो ठीक है। जैसे आपकी सोच काम कर जा, क्या लाऊं, क्या डोर, नहीं डोर नहीं, थोड़ा सा वो सैंड, हाँ सैंड एक काम कर, देख ले चल लाना हो तो। तो आपको क्या, आपको आप क्या बोल रहे थे आप लाने का, वही मैं यही सोच रहा था कि अपन सैंड वगैरह ले आए और ग्रेवल। चल पहले तो तू कांच ले, पहले तो तू कांच ले, कांच ले, तो उसके लिए तो सैंड चाहिए है ना। सैंड पड़ी है कि नहीं है, नहीं वो सैंड तो पिघल रही है ना, नहीं बोलना था मैं तो ढूंढने जा रहा था। तो देखते हैं ग्लास लाते हैं। गाइस मल्टीप्लेयर का यही फायदा है कि एक काम करते रहेगा, एक थोड़ा ले आएगा सामान वगैरह। तो मैं तो वो बना रहे हैं क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं बनाने का, जो यूट्यूबर ही नहीं। 27 ग्लासेस के ग्लास प्लेन ले आऊं क्या, हाँ प्लेन बनाना ना उनका प्लेन। तो कितने बनाऊं, देख ले जैसा लगे बना ले। दो बार बना दी मैंने तो, 32 है और नॉर्मल 15 है। तो चलो लाके उसको बना देते। अरे कोई स्पॉन नहीं हुआ है क्या आके मर, हाँ वो देखो क्रीपर नहीं है, मेरे को लगा ग्रीन ग्रीन क्रीपर है, वो तो लीव थी पीछे से। हाँ मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है। तो पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटने पड़ेंगे, ये धोखा दे रहे हैं। दो चार हुए थे, एक आधे इसके लिए वगैरह मैंने मार दिए। तो क्या पूरे यहाँ पे ग्लास ही लगाना है क्या, नीचे फुल पूरे पे, पूरे ग्लास पूरे लगेगा, मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पे आयरन डोर भी तो लगाना है अपने को। अरे वॉल्यूम कम कर लो अपना, तो ये बात तो सही है। अब लाना देना मेरे को, ये लो ग्लास दोनों ही ले लो, एक काम करो ये लो। और बेड क्यों लेके आएगा। तो गाइस हमको बेड की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हमारे को मिला था एक बार अबंडेंट विलेज, तो वहाँ से हम भर लपेट के बेड भी लाएंगे और थोड़ा बहुत लूट भी लाएंगे। देखते हैं अभी लाने को हुआ तो ले आएंगे, और वर्क स्टेशन वगैरह भी लगा देंगे। वर्क स्टेशन ऑफलाइन करके लगाना है क्या, हाँ जब विलेजर को भरेंगे तो ऑफलाइन करके लगा देंगे, नहीं तो आपके सामने भरेंगे तो सब कुछ आपके सामने कर देंगे। तो मैं भी ऐसे करूं क्या, देखा इसको देख लिया समझ के, हाँ तो लगाओ आप ग्लास प्लेन लगा दो, मैं ये लगा देता हूँ, तो हर जगह रहेगा ऐसा।
तो ये बीच में क्या रहेगा, ये इधर बीच में कहाँ पर, ये यहाँ, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ देखते हैं ना, वो अपने हिसाब से भी लगाते हैं। हाँ तो आप लगाओ ना, एक काम करो आप ग्लास प्लेन लगा दो, मैं उसको कवर कर देता हूँ, क्या है ना हुँ? आप ग्लास प्लेन लगा दो, मैं कवर कर देता हूँ उसको कंक्रीट से हुँ? लगाओ, ये लो मैंने लगा दिया इधर भी और यहाँ पर भी सेम, इधर ऐसे और ऐसे 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 और सेम इधर, तो ऐसे ही करते रहना तक ग्लास से बहुत बढ़िया लुक आती है, मुझे पता है क्या आती है, थोड़ा मॉडर्न टाइप बना रहे ना अपन इसको। इधर क्या करना है, सेम इस साइड भी करना है, इस साइड पीछे नहीं करना कुछ, नहीं पीछे भी कुछ मत करना, पीछे देख के लुक बढ़िया आ रही है मेरे को, तो मतलब पहले से वो मौजूद ही होती है ना कि बढ़िया लुक आएगी एकदम नाइस। तो यहाँ पे ग्लास लगा दो, ट्रिपल है ना, टूटा तो नहीं पड़ेगा, नहीं तो मेरे को नहीं लगता। अरे कितने विलेजर पालेंगे, थोड़ा हुआ तो नीचे एक अंडरग्राउंड बेस बना देंगे छोटा सा। हाँ इनके लिए एक अंडरग्राउंड बना देंगे ना, फिर अपन नॉर्मल डोर भी लगा सकते हैं, फार्मर का अंडरग्राउंड बना देंगे ना। हाँ फार्मर के लिए अंडरग्राउंड बना देंगे, नहीं अंडरग्राउंड फार्मर का शायद इनका हो गया ना, इनका क्या फार्मर का, अगर अपन अंडरग्राउंड बना तो उग जाता। हाँ तो उग जाता हो तो, हाँ सनलाइट सी रहती शायद, पर अपने को क्या मतलब उगाए ना उगाए, अपने को थोड़ा अच्छा दिखाने का मतलब है ना। हाँ बांटेंगे, हाँ चलो उगाना तो पड़ेगा ही, तभी तो बांटेंगे उनको ब्रेड वगैरह और ब्रीडिंग करेंगे, फिर नए नए विलेजर आएंगे। तो मैं इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ तो गाइस जैसे कि हमें देखते हैं पूरे के पूरे हमने ग्लास लगा दिया और उनके ऊपर कंक्रीट लगा दिया, अब क्या लगाना है, एक काम करते हैं इनके बीच में भी कंक्रीट ही भर देते हैं, ब्लू वाला डालें, मेरे ख्याल से ये डालते हैं ना यार, ये चीजर ब्रिक वगैरह पड़े इनको डालो ना। हाँ हाँ इनके बीच में इनको लगा, हाँ हाँ मैंने यही सोचा था। तो गाइस इसको हम डालना शुरू कर देते हैं यहीं पर ना, ये ऐसे ना वो पड़े थोड़े से आप ले लो, तो गाइस इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी वही, तो उसको पहले कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लगेगा। हाँ तो गाइस जैसे कि हमें देखते हैं हमने पूरा का पूरा ये भी चिजल स्टोन ब्रिक लगा दिया, जिससे कि बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह लुक आ रही है, आपको कैसी लग रही है बता दें, लाइक कर दीजिए एक बार। यहाँ पे ग्लास लगा रहे हो ना, अरे मैं तो यही कह रहा हूँ, थोड़ा समझा करो यार, क्या कह रहे हो आप भी पता नहीं। हाँ पर ये शब्द थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, मतलब समझ जाइए आप भी, अब मैं इसको बोल तो नहीं सकता। तो यहाँ पे ग्लास प्लेन लगाओगे ना, हाँ बढ़िया लुक आएगी ऐसी, मतलब कैसी लग रही है, मतलब जैसे नोकिया ऐसा हाथ, नोकिया की वो कंपनी का हाथ मिला रहे हैं। नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस, हमको अभी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है कि नोकिया का ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं है, कभी मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए इसकी छत भी बनानी है, इसको वाटर कर दें गीला, एक काम कर ऊपर चढ़ दो एक ब्लॉक, मतलब अपन को इसके ऊपर चढ़ना है। हाँ तो गीला करके चढ़ दो, तो यहाँ से चढ़ जाते हैं उसको पूरा गीला कर देते हैं गाइस हम, तो गीला करने के लिए हमको डालना पड़ेगा वाटर, तो धन धन डालते जाते हैं, तो बहुत ही ईजी काम है, पर कुछ कुछ जगह पर बहुत मुश्किल है, जैसे कि किया। तो यहाँ पर इसकी छत कैसे बनानी है आपको पता है, अरे आपको ही पता होगा, मेरे को क्या पता है, आप ही तो बिल्डर हो। एक तो मैं पानी उठा रहा हूँ तो जल्दी उठ नहीं रहा है, देखो गायब हो गया धन से, स्टोन ब्रिक पड़ी इतनी सारी, वो स्टोन ब्रिक नहीं चिजल स्टोन ब्रिक, जैसे कि बढ़िया लुक आ रही एकदम। अरे भैया हमको चढ़ने दो, नहीं दूंगे हम तुमको चढ़ने। ये क्या कर रहा हूँ मैं भी। वो चढ़ ही नहीं पा रहे गाइस, बहुत मजा आ रहा है देखने में तो। पानी गायब कर लिया आपने, अरे यार मेरे को बुलाना पड़ेगा। कहीं नहीं, थोड़ी हंसी मजाक तो होती ही थी, अपने सब्सक्राइबर को थोड़ा हंसाना तो पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएंगे रूठ के, क्या साथ रहे नहीं हमको। तो गाइस देखते इसकी बहुत बढ़िया लुक आ रही, कॉन्क्रीट की मुझको लगा ही था कि इतनी अच्छी लुक आएगी, देखते बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है, और वो अपने पास ब्रिक ब्लॉक भी तो है, उनका क्या करना है,
तो ये लो ब्रिक ब्लॉक 25 ही तो है, कितना वहां लगा दे जितना लग रहा है अभी। कहां लगाऊं बताओ? वो क्या अभी अब ढूंढ के लाना थोड़ी ना इतना सारा। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो मेरी पिकेक्स ही कहां चली गई, टूट गई क्या पिकेक्स? हां ये स्टोन की पड़ी इतनी सारी, पहले मैं सोचा अरे यहां क्यों लगा रहा है, गलती से लग गया ना, तभी तो बोल रहा हूं पिकेक्स कहां चली गई। सुना कानपुर में हड़ताल है क्या? हड़ताल नहीं हड़ताल, पड़ी है कहां से चिल्ला थोड़ी ना रहा हूं के कान। हां मारो मारो मेरे कान पे ही मारो, नहीं मजाक चल रहा है। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं पहले तो। ये चिजल स्टोन ब्रिक सस्ती आती है मेरे ख्याल से, एमराल्ड से ट्रेड करी ना आपने, मेरे को पता है। चार एमराल्ड से, चार एमराल्ड के बदले कितना दे रहा था? चार नहीं एक एमराल्ड के बदले चार रुपए। बढ़िया, फिर तो बढ़िया प्राइस में दे रहा। ठग लिया आपने उसको? ठग तो नहीं लिया आपने, प्राइस में बेचा था। यहाँ सामने कुछ खिड़की वगैरह होनी चाहिए थी। अरे क्या हुआ, यहाँ थोड़ा भद्दा लुक हो गया हल्का सा कॉन्क्रीट का। तो यहाँ पे थोड़ी खिड़की लगानी थी अपने को लग रहा है। हाँ थोड़ी बहुत खिड़की लगाओ यहाँ, और यहाँ पर भी इतना एरिया में अंदर से तो अच्छी लुक आ रही है। नहीं नहीं ये जो तेरे को लग रहा है ना, ये बिल्कुल डब्बा सरी का, ये चेंज होएगा, तलस हो जाएगा। ये पिलर का क्या, ये वुड लगाए जो अपन ने? ये नहीं से पिलर खड़ा करेंगे। हाँ तो पिलर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर वो झोपड़े से और छत जैसा रहता है ना जैसे आपने लगाया, वैसे ही लगाएंगे ना। हाँ तो गाइस आपने तो थोड़ा समझ सुन ही लिया कि कैसा बनाने वाले हैं, तो इससे लुक बहुत ही बढ़िया आने वाली है। और अगर थोड़ी अंदर जगह कम पड़ी तो हम कहाँ मार रहे हो फटा फटा। हाँ तो अंदर अगर जगह कम पड़ी तो हम थोड़ा नीचे अंडरग्राउंड जैसा बना देंगे, तो उसमें भी बढ़िया रहेगा, कोई कमी नहीं, मतलब अच्छा लगेगा, ताकि वहाँ पर फार्मर वगैरह थोड़ी फार्मिंग वगैरह कर ले और भी बहुत कुछ कर ले। तो चलिए इसको ही बनाना शुरू करते, तो पहले सुबह हो जाए। आप सो गए? चलिए सुबह हो जाती है, पर बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। हाँ अपने को भी थोड़ी ना पता चलता है कि कब सुबह हो गई। सोते सोते नीचे अपन स्टोन कटर वगैरह वालों को रख लेंगे। हाँ स्टोन कटर वगैरह को रख लेंगे, वो जो काम के नहीं है ज्यादा, वो जो मेन है ना जिनसे अपन को ट्रेडिंग करके एमराल्ड कमाते हैं। चलो पिलर खड़े करें। तो ऐसे सेम कितने एक कितने ऊंचे करने हैं? रुक जा पहले तो ये हम विंडो विंडो देख लो, मैं ऊंचा जितना ऊंचा बिल्डिंग का लेंथ ना उतना ही। अच्छा ठीक है, तो अच्छा हुआ आपने इतना सारा वुड काट लिया था, मैंने भी काटा था, ऐसा नहीं है। तो ऑफलाइन रह के काटने का यही मर्या, मतलब आपके सामने फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ता, सीधा काम मुद्दे पे आओ और बिल्डिंग शुरू कर दो। अरे इसमें बहुत टाइम लगता है काटने में। हाँ काटने में बहुत टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं काटते ये, मतलब एक एक दो दो दिन लेके बैठते हैं। हाँ ऐसा कौन है हमारे पास इतना भी नहीं कि फ्री में टाइम पास, मतलब टाइम में बैठे रहे, थोड़ी देर के लिए ले लिया। हाँ ऐसा फिर चार्ज में लगा के फिर थोड़ी देर बाद काट लिया। अब हमारा कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि सीधा ऐसे ही कर लें, डायरेक्ट खेलते रहें खेलते रहें, पर कंप्यूटर होता तो बढ़िया था। एक कंप्यूटर है, पोटैटो पीसी है, वाह हो गया काम नाम नासपीडिया। और मत देखो अपनी हेल्थ के बारे में, इतनी सी जगह से फेल फ्रॉम हाई प्लेस, बहुत ऊंचा था वो डर लग गया आज के बाद चढ़ूंगा नहीं। वो कोई सी बीमारी थी ना, क्लास टू फोबिया क्या नाम है उस बीमारी का? हाँ लगता है आपको वो लग गया है। फिर तो यहाँ इज्जत ही नहीं, इतनी नीचे से गिरा के हाई प्लेस बोल रहे, शर्म करो। हाँ कुछ बोल रहा था। हाँ मेरे पास पोटैटो पीसी है जिसमें ओनली 2 GB रैम है, पापा को बोला था कि पापा डाल दो, पापा ने भी ओनली 2 GB की रैम खरीदी, जो पुरानी 1 GB की रैम थी वो ख़राब हो गई, तब अब तो कंप्यूटर ही पूरा ख़राब हो गया। तो क्या जो मेरा पूरा कंप्यूटर है ना, उसकी स्क्रीन नई है, माउस नया है, कीबोर्ड नया है, सब कुछ नया है, पर CPU जो डब्बा ना पूरा ख़राब है, पूरा ख़राब है, जबकि उसमें मदरबोर्ड नया है, अभी रैम नई है, पता नहीं क्या लफड़े आ रहे हैं कि ना, खराब पे खराब, खराब पे खराब। मन करता है कि फेंक दो, पर नहीं करते, फिर पापा हमको फेंक देंगे। तो जल्दी इसको बिल्डिंग करते हैं शुरू। तो इसको काटना है ना, मतलब छिल देना है ना, छिल दिया आपने तो उधर से। रुक जा मैं बता रहा हूँ कहाँ से छिलना है, बीच वाले को छोड़ के बाकी सबको छिलना है, मतलब बीच। हाँ समझ ये क्या, अरे ओ सॉरी ज्यादा डैमेज लगा क्या? अब क्या 3 मिनट गए, तो 3 मिनट गए ना, ये एक्स ना टूट गया अपनी, नहीं मेरे पास पड़ी है सारे। हाँ ये पड़ी है। और ये इधर जो बाकी पिलर बनाए थे उनका क्या, उनको भी छिलना ना? हाँ पिलर सबको छिलना है, खाली वो आगे वाले में से बीच वाले को। हाँ तो बढ़िया लुक आ रही है ये पिलर, ये छिलने वाला सिस्टम सब छिलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि उसको ये छिलने वाला सिस्टम अच्छा बना के रखा है। पहले तो हमको पता नहीं था, गलती से एक बार एक्स टच हो गई थी इस पर, तो बन गया वो पिलर। नहीं फिर हमने देखा यूट्यूब पे कि भाई कैसे छिलते हैं ये स्ट्रिप वाला बनता है, तो देखा तो ऐसे बनता है, पर उसको क्राफ्टिंग टेबल में डाल के आड़ा टेढ़ा कर रहे थे कि भाई कैसे। हाँ कभी बना ही नहीं, पर कभी बना ही नहीं ऐसे, पर गलती से वो यही भी टच हो गई थी तब बन गया, तो बोले ये क्या हुआ, पूरी इसका तो वास्तु बदल गया।
तो लुक तो अंदर से अच्छी आ रही है, बाहर से भी अच्छी आ रही है। तो गाइस देख सकते बढ़िया से एकदम लुक आ रही है। इसको अब हमको छत वगैरह बनानी है और अंदर से उसको भर देना है। लग रहा है कि एक डायनासोर मरा पड़ा, उसकी बाहर की रिब केज है और अंदर विलेदर मरे पड़े, मतलब उसने विलेदर खा लिया। क्या चाहिए? मेरे को मेरा नाम सुन पुकारो। लीव्स, हाँ लीव्स तो भर वाला पेट की बॉडी है। वही क्रिएटिव वाले बंदे ने बोला था क्रिएटिव में लिया। अरे भाई क्रिएटिव में नहीं लिया है ये। नहीं 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 तुम्हारा ये क्रिएटिव से लिए हुए को अब यूज कर रहे हैं। क्रिएटिव से लिया हुआ लीव्स लिया ना थे यहाँ पे। क्रिएटिव वाला लीव्स ला रहे हैं गाइस। हम मजाक नहीं उड़ा रहे आपका, हम मजाक नहीं उड़ा रहे। पर जब हुआ ही नहीं तो ऐसा क्यों? हम फालतू में आपका मतलब ऐसा नहीं करना चाह रहे, सॉरी। कुछ भी बोलता रहता हूँ, मेरी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, मैं पागल हूँ। इसकी बात सुन है। ये क्या कर दिया आपने यहाँ? ये ऐसे करना है। चाहिए उधर मैंने सीधा ऐसे लगाते गया। ओहो जिंदगी झंड तेरी, इसलिए तेरे को परमिट बोलता। ये देख लो आके इधर से। नहीं जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर। और आयरन डोर लगाने? अभी लगाते हैं ना, अभी पहले विलेजर्स को लाएंगे, फिर दो विलेजर्स को बोर्ड में बिठा के लाएंगे, उसके बाद देखते हैं। दो विलेजर को लेंगे, बाकी तो उधर जो मर रहे हैं मरने दो, अपने को दो विलेजर से काम। अच्छा ये ऐसे लगा रहे हो तो मेरे को समझ में नहीं अभी भी। अरे खाना खत्म हो जाता है भाई, क्यों भूख लगती है इसको इतनी? ये मैं सोचता हूँ ये धड़ाधड़ एक ही सामान धमाधम खा लेता है, अपन खाओ तो इतना टाइम लगता है। मैं फिर बोल गया, आपने कैसे लगाया उधर? इधर आके लगा दो। मैं देख रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? उसमें खाली वो उसकी लेयरिंग करनी बाहर से। एक तो यूं एक इधर यूं ठीक है ना। हाँ ये बॉय बेटे वाह बेटे मौज कर दी एकदम बॉय लग रहा है बॉय। कैसा लग रहा है गाइस आपको बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तभी बताना। हाँ साइड से इसका थंबनेल बनाएंगे, तो थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे आयरन डोर लगाएंगे और यहाँ पे छोटे से बटन। मेरे को तो लग रहा है इसको घर बनाना था अपना। हाँ यार फीलिंग आ रही इसको घर। विलेदर को अच्छा दे रहे हैं अपन। कोई नहीं, अब नया नया भी घर बनाएंगे, नया घर भी बनाएंगे। हाँ सब बनाएंगे बाद में, बस सबर करो, रुको जरा सबर करो। वो ट्रिडेंट लेके बैठा है, चलो उसको मार के आते हैं। क्या मालूम ट्रिडेंट मिल जाए। ये मारने दौड़ा, मारने दौड़ा, मारने दौड़ा, मारने दौड़ा, मारेगा। अच्छा आप मारने भी दौड़ेगा। मिल गया ट्रिडेंट गाइस, हमको मिल गया ट्रिडेंट विथ आधी पावर। आधी पावर किसका? तेको मिला, वो मेरा है। हाँ चलो आप रख लेना। तो गाइस आपको पता ही होगा कि ट्रिडेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एपिसोड नहीं एपिसोड अच्छा जा रहा है, बहुत ही बढ़िया एपिक लूट से। और यहाँ हम टाउन हॉल भी बना रहे हैं बिना किसी झंझट के, तो बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। एकदम मज़ा आ गया एकदम। तो अपने को तो अभी ये बनाना है। ये तो ट्रिडेंट वाला मिल गया भाई। हाँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ अपने को भी थोड़ा सा ये सन्स टेम जो भी बोलते हैं और चाहिए तो चलो लेके आते हैं। क्यों वैसे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, चल लेके आते हैं। हाँ तो गाइस वापस हमको नीदर में जाना पड़ेगा और क्रिमसन स्टेम से ना उसको थोड़ा और करेक्ट करके लाते हैं। हाँ तो गाइस जैसे कि हमें देते हैं हम बहुत सारी वुड कलेक्ट करके लिया और फिर से पोर्टल वही बेकार जगह खुला है, तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा हमको वहाँ पोर्टल। नहीं 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 तोड़ेंगे, पता चले फिर कहीं और दूर खुल जाता। बस छोड़ो, वैसे कि अपने को रोज रोज नींदर में थोड़ा जाना है, है ना। चलो पास में इतना भी दूर नहीं है, क्या मालूम अब कहाँ टेलीपोर्ट कर दें। तो मेरे ख्याल से अपने ट्विस्टेड वाइन से ना इसको भी लगा देंगे अपन। हाँ इसको भी लगाएंगे ना, ट्विस्टेड वाइन से ना, वीपिंग वाइन से ट्विस्टेड ट्विस्टेड करते करे जा रहा हूँ मैं। तो बेड भी हम वगैरह सब बाद में लगा देंगे, तो विलेजर हम भी रख देंगे। तो विलेजर हम मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन ही करें, फालतू में टाइम ना बर्बाद करें। टाइम तो हमारे बर्बाद होगा, बर्बाद नहीं होगा मतलब। चलो अभी तो एक काम करो सो जाओ, एक काम करो सो जाओ। रात हो गई? हाँ नहीं अभी नहीं हुई है, पर हो ही गई है बस। अब ये जब भी मैं इधर से आओ तो लगता है टाइम जल्दी गुजर गया है ना। हाँ तो कुछ तो सिस्टम बैठा हुआ है। आप भी खाना खा रहे क्या? हाँ रात में खाना खा रहा हूँ ना, रात में बासी खाना। डिनर कर रहे हो क्या? वही तो रात का खाना, रोटन फ्लैश खा लो। तो वहाँ पे सुबह वापस सो गई। आप कितने वो लाए हो? बड़ी गंदी वास मार रहा था बेड मेरा। समझ जाइए गाइस इनने क्या काम करा होगा, जब बोल रहे हैं गंदी वास मार रहा था तो कहीं छोटा मोटा मजाक तो चलता था। खैर फालतू की बात छोड़ो, ये मैं इनको वुड वुड ना एक गलती से एक स्ट्रिप्ड हो गई थी, इसमें से एक ही हुई थी।
तो चलिए इसको तू एक काम कर। क्या काम करूं? ये ओके वो बना ले। क्या प्लैंक्स? नहीं वो सीढ़ी जो है ना, क्या बोलते हैं, लैडर। हां लैडर नहीं मतलब वो स्टेयर। हां स्टेयर। कितनी जीवन पर तो मुझे नहीं पता, जितनी भी ले बना ले अपने साथ थोड़ा सा। हां तो बना लेते, ज्यादा चाहिए क्या? है ना, समझ ले दो स्टैक बना ले, तीन स्टैक। वासुल अभी तो दो स्टैक बना लो, क्या हम काम पड़े ही नहीं पड़े और फिर वो खराब हो जाए। काम खराब तो नहीं होएगी, बिल्कुल खराब नहीं होएगी, हम जला देंगे उसको फर्नेंस में। बहुत कलाकार लोग हैं हम। हम सबको जला देते हैं, एक दरवाजा बचे उसको भी जला देते हाँ, हैं। जैसे मतलब आग आग जला ली और हाथ ताप लिया तो मेरे पास तीन स्टैक। अरे यार बातों बात में दो स्टैक ऊपर बना दिया मैंने तो। लो आ जाओ, कोई स्पॉन हुआ है क्या? हाँ देख सकते हैं वहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन हुए धरे हुए हैं। कम से कम कितने दो हैं ना? हाँ तो इनको मार लेते, काम खत्म करते हैं और हमको थोड़ा एक्सपी मिला लेते हैं। तो गाइस आप तो देख लिया वर्क तो कर रहा है एकदम अच्छे से, नहीं तो आप सोचो दिखा नहीं रहा, लगता वर्क नहीं कर रहा, वर्क एकदम फाइन कर रहा है, एकदम बढ़िया से कर रहा है। लो आ जाओ यहाँ पे, अपन ये छत बनाएंगे ना तो यहाँ पे हर जगह ट्विस्टेड वायर्स लगा देंगे, एकदम पर्दे जैसी लगेगी, ऐसे पर्दे जैसे तो नहीं लगेगी। लो आ जाओ, कहाँ चल गए? लो स्टेयर्स। हाँ रुकना रुकना, आप ज़्यादा मुझे पानी भरने दो, आप ज़्यादा लो, आप ज़्यादा ये लो। अरे यार पहले मैं ये वाली लगाऊंगा पानी भरने का। मैं सोचता हूँ एक बाल्टी पानी से इन्फिनिट सोर्स कैसे बन जाता है, कैसे बनता है। तो बेड वगैरह ये कुछ जिसमें मेरे ख्याल से वाइट वाले पे लगाना चाहिए, फिर तो पूरा ब्लू ब्लू दिखेगा। नहीं नहीं थोड़ा नीचे दिखता है। तो चलिए से हम इसको पूरी छत वगैरह भी बना लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? एक लेयर पहले, ये रुक जाए काम कर, ये इतना एक लेयर लगा इसकी पूरी फर्स्ट। हमें काम करो ऊपर लाके लगाऊं, जहाँ से को जन्म हुआ वहाँ से लगा। तो मैं सोचा ऊपर जाके लगा लेते हैं। अरे यार क्या ऊपर जाके लगाएंगे ना तो फायदा रहेगा, अब क्या मालूम लगे लगे नहीं। तो ये कैसे लगा रहे हो आप? हाँ तो इनके बीच में क्या भरेंगे गैप में? ये लगाना बट ये हो गया लफड़ा। हाँ ये मेरे को लगा ही था ऐसा कुछ, लफड़े तो होते ही हैं। तो ये नीचे से लगाते हैं, मेरे को लग रहा है अपने को नीचे से ही लगाना था। अरे हाँ नीचे से ही लगाना चाहिए। अरे यार नीचे से भी नहीं लगाना चाहिए, नीचे से भी लफड़ा है ऊपर से भी लफड़ा है। तो गाइस मैं आपको उसको कंप्लीट करके पूरा दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइस जैसे कि हमें देखते हैं हमने पूरा पूरा ये लगा दिया है, अब ऐसी हमको पूरी छत बनानी है, मतलब झोपड़े ऐसी देखी होगी आपने कैसे लगती है। तो इसको भी हम कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं, पहले तो इधर से मैं लगा देता हूँ। तो गैप में क्या भरेंगे? हाँ लैंटर्न्स लगा देंगे है ना, क्या अच्छा आइडिया ना। हाँ तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर। लैंटर्न्स के लिए अपने पास आयरन है? मेरे पास सात वात पड़ा है और थोड़ा पिघलने के लिए भी रखा था, तो देखते हैं कि। अरे यार ये गड़बड़ कर दी। तो लैंटर्न से वगैरह से एकदम बढ़िया, मेरे को तो लग रहा है कि एकदम बढ़िया बनेगा ये। तो मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहीं आ जाऊँगा यार। नहीं मैं भीग नहीं क्या, हम भीग नहीं लेते। तो चलो इसको भी लगा देते हैं धपाधप और फिर कंप्लीट कर देते हैं हमारा ये क्या है, मेरी टाउन हॉल या विलेजर हॉल जो भी कहो, सेम है सब कुछ सेम है। तो इसको भी यहाँ तक लाना, इतना आगे ले आए आप। हाँ तो अब इसके ऊपर क्या करना है? मैं कह रहा हूँ ये जो अपन बना रहे हैं ना इसका वो क्या कहते हैं ताड़ बोलते हैं ना कुछ छत जैसा, इसके ऊपर ही फ्लोर बना दें। नहीं वो फिर वो विलेजर बेचारे वो उनको सर झुका के चलना पड़ेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर भी करना है यूँ, तो रुको ऐसा ही यूँ कर। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, एक तो ये तोड़ो और इसको भी ले ही लेते हैं ना, कहाँ नीचे फेंका पड़ा रहेगा। अरे यार मैं सठिया गया हूँ, बुढ़ा हो गया तू? नहीं नहीं बुढ़ा, मेरे को पागल खाने अभी से नहीं जाना है। लोग सठिया जाते जल्दी। तो इसको ऐसे लगाना है ना, हाँ तो इसको भी हम कंप्लीट कर देते पूरा पूरा ताकि मैं आपको पूरा एंड में दिखा पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। हाँ गाइस देख सकते हैं इतने ऑसम बिल्ड्स बना रहे हैं हम लोग, आपको ये पसंद जरूर आएंगे। शर्माइए मत, दिल खोल के बताइए पसंद आ रहे कि नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। अरे यार मेरे को तो लगा दो, शर्मा मत मेरे को लगा दो। अरे मैं कुछ भी कह रहा हूँ, शर्मा मत मेरे को लगा दो। अगर मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, मैं थोड़ा पागल हूँ कहीं नहीं, इतना नहीं पागल तो हूँ। अरे यार मैं खुद को ही क्यों बोल रहा हूँ, क्या ये अब कंप्लीट? अब इसको किस बनाना है? एक और फ्लोर ऊपर उठा है अभी तो, खैर यूं करते जा मतलब ऐसे उठा दे एक और है ना। तो इसको भी ऐसे उठा देते हैं
अब यहाँ यार मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ, कम है ना क्रिम्सन वाली। तब क्या कहीं नीचे से जो नीचे जो गिरी पड़ी उनको तोक के लाओ, क्या मालूम कब डिसअपियर हो जाए। डिसअपियर कितने टाइम में होती है ये? अब मेरे को ऊपर आने में लफड़ा, पानी में हटा देना, मेरे को पता है आप हटा दोगे, क्या मालूम। नहीं 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 अभी 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 हाँ अभी बिल्ड बन ज्यादा हो चुकी है, काम चल रहा है। हाँ 36 है ना। हाँ तो तू मेरा भी एंचेंट करेगा ना, इसलिए तो क्यों मैं आपका। हाँ ये इस मेरे को सन में आगे मार रहे हो आप, करेगा कि नहीं पता, नहीं करूंगा मेरे को गलती से। देखना मैं देखना गाइस मैं देखना पार्कोर करूंगा। चोट हो गई, स्पाइडरमैन बोलने जा रहा था मैं। हाँ तो जैसे कि हमने इतना बना लिया है और थोड़ी देर में पूरा भी कंप्लीट होगा, यहाँ प्लेन करना है क्या कि इसको पूरा एकदम झोपड़े ऐसे ही लुक दे देना है? नहीं नहीं अभी इसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसे ही चलने दे। तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पे नीचे हम प्लैंक वगैरह लगा के छत बना देते हैं, इसकी ऊपर थोड़ा टॉर्चेस लगा देंगे, नहीं तो मॉब स्पॉन हो जाएंगे पता ही होगा आपको। तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। कुछ ज़्यादा ही ऊँचा उड़ गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है। देख क्या हो नीचे से, हाँ पतला लग रहा है थोड़ा। नहीं ठीक है चलो ठीक है, तो अंदर झूमर टांगने का मन कर रहा है मेरा तो। क्या झूमर? हाँ वो झूमर लेते ना वहाँ में लटकता है वो, क्या बोलते हैं उसको, झूमर ही बोलते हैं ना, झूमर ही बोलते हैं ना, क्या पता है तुमको, क्या पता है वैसे हमने भी राजस्थानी अगर कोई हो चैनल पे तो उससे पूछना पड़ेगा। राजस्थानी को ही पता है क्या, ऐसे ही लगाना है ना, यही वाले लगा देगा। हाँ चलो जब पड़ी है तो लगाओ ना, लगाओ इस्तेमाल करो, फालतू में पड़ी नहीं रहनी चाहिए सामान। तो पहली बार हम क्रिम्सन का कुछ यूज़ कर रहे हैं, आज तक हमने यूज़ नहीं करा, जब बिना चैनल के हम खेलते थे ना गाइस, पहले भी बहुत खेलते थे माइनक्राफ्ट, तभी थोड़ा ये पता है, तो हमने सोचा आपको भी थोड़ा दिखाया जाए कैसा खेलते हैं हम, तो अच्छा ही खेलते हैं। शर्मा ये मत बता दीजिए कैसा खेलते हैं। और क्या करना है, यहाँ पर भी थोड़ी स्टेयर्स लगा देनी है ना, तो यहाँ नीचे स्टेयर लगा दूँ मैं? नहीं बस ये लो। अरे ये क्या क्या कर दिया मैंने, ये क्या लग रहा, अच्छा ये क्या बना रहे हो, अच्छा उल्टे करके लगा रहे हो क्या, कि प्लैंक्स लगा रहे हो नॉर्मल? मेरे पास तो उसकी प्लैंक्स है ही नहीं, क्रिम्सन की थोड़ी लगा रहा हूँ मैंने, अरे खाली ओक की प्लैंक्स लगा दी जितनी है मेरे पास, नहीं एक भी। हाँ हो गया पार्कोर आपका भी, पार्कोर में वो स्लिप हो गया मेरा, तो रुको मैं बना के ले आऊँ क्या, रुको छत कंप्लीट ही हो गई, वैसे भी अभी काम है। अरे मैं ना मर जाऊँ अभी कूदते कूदते, नहीं तो मेरी भी पेटी बन जाएगी और सारा का सारा एक्सपी चला जाएगा। पर मैंने आज तक कभी सुअर को गाजर और पटेटो खाते हुए नहीं देखा है, हमारे एरिया की बात करो तो यहाँ के पिक्स तो एकदम आ जाएंगे और कुत्ते साले भौंकने लग जाते हैं उनके ऊपर, कुत्ते यानी कि डॉग्स, मैं आपको किसी को बोल नहीं रहा कुत्ता। तो यहाँ से वुड कहाँ चली गई, लगता पिछले चेस्ट में रह गई। जितने में तू लाएगा उतने में काम करके छोड़ दूंगा। हाँ मेरे को पता तो नहीं था, मैं तो यही बोल रहा हूँ। तो चलो जल्दी आ जाओ सो जाओ, सुबह कर लेते हैं। काफी अच्छा बना है, तो लुक तो यहाँ से अच्छी आ रही, एकदम बढ़िया सा दिख रहा है मेरी खिड़की से, एक तो सनसेट और विलेजर का ट्रेडिंग हॉल, नहीं बढ़िया सा हॉल है अंदर, वहाँ पे गोलम स्पॉन होंगे ना? हाँ बहुत जगह है उनके लिए। हाँ तो स्पॉन हो जाएंगे, फिर अपन उनको अंदर ही बांध के रख देंगे, कोई भी अगर धीरे से अंदर आने की कोशिश करा ज़ॉम्बी तो उसकी पेटी बन जाएगी ना। अब तो चलिए बाहर चलते हैं, कोई स्पॉन हुआ है क्या? नहीं आया। हाँ वो रहा स्केली, स्केली को मारते हैं इससे पहले स्पॉन हो जाए। वो नाच रहा है क्या स्केली, ये क्या कर रहा है, है नाचेगा? देखो डिस्को चाहिए, एक और आ गया। हाँ लगे थे शेडो किसकी है। हाँ तो देख सकते हैं हमको एक्सपी भी अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ से, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ये ब्रेड वगैरह खत्म करो। हाँ तो गाइस देख सकते हैं इसकी बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है, कंप्लीट हो गया ना पूरा, यहाँ से भी करना है। ये दो लीव्स की लगा रखी है वहाँ पे या फ्रंट में। हाँ तो गाइस बाहर निकली हुई जो रूफ है बहुत ही बढ़िया लग रही है, आपको कैसी लग रही है पहले एक बार कमेंट में, नहीं कंप्लीट करके कमेंट में जाके जरूर बता देना। और यहाँ पे आप ब्रिक्स लगा रहे हो कम ना पड़ रहे हैं, स्लैब लगा रहे हो ना? हाँ ये बोई मेरे 200 नहीं 2000 भी नहीं, आपको एक भी आई क्यू नहीं आपके पास, नहीं आई क्यू तो सबके पास ही रहता है। तो ये लीव जो लगा था तोड़ दूँ मैं? कौन सी लीव? ये ही पड़ी एक। अभी रुक जाओ, कोई मत तोड़ ना, पता चले यानी कौन से दुनिया भर की तोड़ दे, फिर लीव कमी तो खैर नहीं है।
हम क्रिएटिव से लाए हैं। क्रिएटिव से कहाँ लाए यार? अरे लोग बोल रहे हैं ना, नहीं लोग ने एक ही ने बोला था। हाँ, फिर भी एक ही ने पर कहीं उसको लगा, उनको लगा होगा, उसको नहीं, उसने शायद खेला नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि शेयर नाम की चीज होती है। हाँ मतलब अपन को भी थोड़ा शुरू में लगता था ओ इतनी सारी लीव, पहले लगता था अपने को भी, आपको लगे ना लगे मेरे को। हाँ ये लीव देखो, हटाऊ उनको, हटा दूं? रुकना रुकना, क्राउच क्यों हो गया हूँ मैं, जल्दी हटाओ, कंप्लीट करें वीडियो और लोगों को भी दिखाने की कितनी अच्छा बढ़िया लगवाएगी इससे भी। तो मेरे पास 20 पड़ी है, इसको हर साइड से करना है क्या ऐसा? हाँ उस साइड से भी कर दे, मतलब ऐसा उल्टा इनवर्स। हाँ तो उल्टे, अरे पानी हटाओ ना, ये कहीं पे भी पानी डाल दे तो सठिया गए हो क्या? हाँ थोड़ा सा गए, इन पर शक मत करना, इनका दिमाग सच्ची में टेढ़ा है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अरे ये लग गया। हाँ मार डालने को सीधी बात। हाँ ये बढ़िया लुका रही एकदम नाइस। गाइस कैसे लुका रही एकदम बताइए, ऐसा ही उधर पीछे भी जाकर करना ना। हाँ ना पीछे आके कर देता हूँ, स्टेयर्स आपके पास थोड़ी उससे पड़ी है? हैं नहीं हो जाएगी मेरे पास जितनी पड़ी है वो तो जानी चाहिए। हाँ 14 स्टेयर्स पड़ी तो हो जाएगी। हाँ तो गाइस देख सकते एकदम अच्छी सी लुक आने लग गई, इसकी एकदम लुक पकड़ने लग गया है। तो यहाँ पे देख सकते बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है, और हम पीछे दो दो लैंटर्न वगैरह टांग देंगे। अरे पहले ही टांग देते ना। हाँ रूम लाइट तो है, अंदर एक स्टेयर पड़ी उसको जाके तोक खिले आते हैं, इससे पहले वो डिसअपीयर हो जाए। और मैंने गलती से पता है मेरा दिमाग पता नहीं क्यों बोला कि मैं एक प्लैंक लगा के फिर स्टेयर लगाता हूँ, और ये पता है थोड़ा सा जैपनीज लुक आ रहा है, मतलब मुझे जैपनीज। हाँ मतलब देखना ना आगे वहाँ पर थोड़ी सी मतलब ऐसी ऊंची छतें हैं। हाँ ऐसी टाइप से रहती है। हाँ बढ़िया लुक आ रही है, हाँ बढ़िया लग रहा है बेहतरीन। तो एक चलो इसको पूरा बीच में ये कवर अप कर देते हैं ना, आ जाओ क्या, आ जाओ ना। हाँ दो सेकंड, कवर अप कहाँ से करें उसको? ये खुला वाला ना। हाँ इसको कहाँ से करें? मैं सोचा कुछ थोड़ा डिफरेंट डर्ट से कर देते हैं। एक काम करते हैं, कैसे तो ओक लॉग से करते हैं। हाँ ओक बीच में एक एक कांच लगा देना है ना, है ना ग्लास। ग्लास तो बचा ही है। हाँ तो वो लगा देना एक एक आगे और पीछे, आगे नहीं पीछे लगाना नॉर्मल। अरे मैं यहाँ क्यों आ जा रहा हूँ ढूंढने, आपके पास पड़ा है ना लॉक्स? हाँ तो एक काम करता हूँ, ये इतनी सारी उगाई है मैं थोड़ा काट ही लेता हूँ, जब तक आप लगाओ मैं थोड़ा बहुत काट ले लेता हूँ उसको, ज्यादा तो नहीं चाहिए, इतनी कितनी चाहिए चाहिए अपने को? ले ले ले, काट ले काट ले। खत्म हो गई सारी वुड? नहीं काट ले फिर भी बट। हाँ वो तो काम आती रहती है। तो गाइस वो जो विलेज दिख रहा है सामने, उसको तोड़ना है क्या बाद में? हाँ तोड़ने का मेरा तो दिमाग। हाँ तो उसको बाद में हम तोड़ देंगे, और वहाँ क्या बनाएंगे वहाँ देखते हैं। वहाँ जो मैं तो माने कि ये जो हम बना रहे हैं ना पूरा मॉडर्न वगैरह, इसको एक सिटी के रूप में कन्वर्ट करो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब आनंद आने वाला है, आनंद आ जाएगा, आनंद की पूर्ति हो जाएगी। तो गाइस आपको ये शब्द कैसा लगा, बढ़िया लगा तो बताइए, लाइक कर दीजिए। तो चलते वापस इसको, मेरे पास 27 वीडियो, और गेम क्यों लैग हो रही है हल्की हल्की? अरे गेम क्यों लैग हो रही है? तभी मैं 600 डिस्टेंस पर भी खेलता हूँ, ये भी एक रीज़न है। तो चलिए इसको भी कर, हाँ ये यहाँ डर्ट खत्म हो गए ना, मुझे एक्स देना, मुझे एक्स चाहिए। ये लो एक्स की मांग। अरे मैं उधर कहाँ आ गया था, इधर से। हाँ तो शॉवर है क्या आपके पास? पहले ये देख बता कैसा लग रहा है। मैं देखा नहीं। हाँ बढ़िया दिख रहा, नाइस ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, बढ़िया लुक आ रही है वैसे तो। पीछे जाके भी कर देना, हटना तो हटना, ऐसी सेम लुक पीछे जाके भी कर दो। हाँ थोड़ी बहुत जैपनीज जैसी भी आ रही है, पर कुछ भी कहो जैपनीज को भी पसंद आएंगे, अगर जैपनीज कोई देख रहा हो, मेरे को नहीं लगता कोई देख रहा होगा, अब तक तो देख के हटा दी होगी कि ये तो हिंदी बोल रहा है, हमारी इंडियन भाषा हिंदी। तो जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए, और हम ऑफलाइन के अंदर विलेजेस डाल देंगे और थोड़ी बहुत वो सब लगा देंगे। तो आपने इसको स्क्रिप्ट कर दिया ना, जल्दी स्क्रिप्ट कर दो, है ना। और मैं यहाँ पे ये स्टेयर लगा देता हूँ, ये क्या कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं हाँ मेरे को कोई गड़बड़ नहीं लग रही। तो सेम यहाँ ऐसे, और ऐसे सेम यहाँ पर भी लगा देते हम। तो ये एकदम बहुत रियाली क्या कर दिया, हटो देखना आपके हार्ट कम नहीं हो फिर मर जाओ। आकाश कितना एक्सपी मेरे को। हाँ, अरे यार वो वहाँ पे थोड़ा ग्लास पे लगाओ,
और उसको पीछे ऐसे छोड़ दो, एक काम करो। हाँ तो गैस हमारा पूरा पूरा ट्रेडिंग हॉल जो है, ट्रेडिंग हॉल नहीं, विलेजर हॉल, टाउन हॉल पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस हमको थोड़ी इसको रैंडम डेकोरेशन करनी है, जैसे कि लैंटर्न वगैरह लगानी। ये भी लगा दे क्या? छोड़ो बाद में लगा देंगे ऑफ रहने के। और डोर तो लगाया ही नहीं आपने। चलो अपन ने क्या, अपन ने अगर थोड़ा क्रिम्सन के बचे, ओ ये बॉय अंदर से अपने को वो लगाना है लाइट बटन वगैरह। मेरे पास आयरन पड़ा है तो अकिस टॉर्चेस है, टॉर्चेस कोई नहीं है तो रुको मैं बना लेता हूँ। 5 लैंटर्न बनेगी मेरे पास तो इतनी है, कितनी 5 सुने टेस्टर से ये पिघला। और थोड़ा चारकोल बनाए थे जिससे कि हमको थोड़ी बहुत तो टॉर्चर मिल जाएगी और हम बना लेंगे लैंटर्न और अंदर जाके डेकोरेट कर देंगे। तो जो बेड वगैरह है मैं कहाँ पर है वो अपना रैंडम क्या एबंडेंट विलेज कहाँ पर है? पास में है ना? हाँ तो वहाँ से हम बेड वगैरह लेंगे, थोड़ा बहुत लूट वगैरह लेंगे और बेड वगैरह ला के यहाँ से हम जो विलेजर है पास में वहाँ से 2 ले आएंगे और हम उनको ब्रीडिंग करेंगे। हम उनको नहीं करेंगे, वो खुद ब्रीडिंग करेंगे और नए विलेजर आएंगे, जैसे कि हमको मिलेंगे नए नए विलेजर की जॉब दे देंगे उनको और हम उनसे बढ़िया बढ़िया गियर्स ले लेंगे, आइटम्स, आर्मर वगैरह और स्वॉर्ड वगैरह ले लेंगे और हमको बढ़िया बढ़िया सामान मिल जाएगा। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है। एक बार मैं उसको 360 करके दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। फ्रंट से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है। और डोर लगाना था, अरे यार डोर के लिए आयरन लगाएंगे फिर उसके लिए तो कैसे बचेगा लैंटर्न के लिए? तो थोड़ी माइनिंग करनी पड़ेगी अपने को। अब आपके पास है? हाँ तो पीछे से भी देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है और यहाँ से भी देखते हैं बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है। ये क्या कर रहे हो? पानी बनाना है इसका है? क्या करना है उसका जो खड़ा कर रहे हो स्टैंड? आईफिल टावर बनाने का शौक है क्या? इसका मैं बहुत बड़ा वाला काम करने वाला हूँ। क्या? जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बच्चे वो समझ बोल सबको। हाँ हो गया कांड। हाँ तो इसकी भी टॉर्चर बना लेते और हम इसकी बनाते लैंटर्न्स। तो लैंटर्न्स कहाँ बना लगानी है? हाँ तो इसकी 5 बन रही, मेरे पास शायद 5 से 6 ही बनेंगी ज़्यादा सदा, मतलब हर बार 6 बन जाएगी। नहीं नहीं तो और 5 इंगट बचे। वाह ये क्या हुआ 5? हाँ सीखने का नहीं, मेरे और किसी चेस्ट में थी। कोई बात नहीं मानता हूँ, बच्चों को काउंटिंग अक्सर नहीं आती। अरे और किसी चेस्ट में पड़ी थी बहिरो, मैं नहीं रखती थी पता है। तो पूरी 11 बनी है तो 11 को अपन ढंग से लगा देते एकदम आहिस्ता से। काम कर, अगर एमराल्ड वगैरह बच्चे हो तेरे पास तो। मेरे पास एक एमराल्ड नहीं है। हाँ तो देख सकते यहाँ पे पीछे लगा तो एकदम नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ अच्छी लगेगी। हाँ यहाँ अच्छी लग रही है पीछे से अच्छी, तो मतलब हाँ बढ़िया आ रही है। तो ऐसे मैं आगे भी लगा देता हूँ और थोड़ा बाहर से भी लगा देते हैं। बाहर का तो खैर छोड़ो, आगे लगाना है अपने को तो आगे से भी थोड़ा मतलब है। आयरन खत्म हो गया डोर के लिए। मेरे को क्या पता आपका, आई थिंक मेरे को 12-13 होना चाहिए। हाँ तो गाइस यहाँ पे आगे से ऐसा लगाया मैंने और यहाँ सेंटर में भी लगा देता हूँ एकदम बढ़िया लुक आएगी। सेंटर में नहीं लगेगा क्या? हाँ नहीं सेंटर में नहीं लगेगा, लगे स्टेयर वगैरह कुछ लफड़ा है। एक बार एकदम चेक ही कर लेता हूँ ना ढंग से कि लगे नहीं लगे, फिर फालतू की लुक खराब हो जाए। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ तो अब इसको चेक करते हैं हम ढंग से। नहीं लगेगा सेंटर में, नहीं लगेगा नहीं सेंटर में तो नहीं लगेगा उतना। हाँ तो देख सकते बहुत ही बढ़िया शानदार लुक आ रही है। और कहाँ पे लगाना है? बस अब तो छोड़ दे मैं लगाऊंगा। ये लो 6 लैंटर्न्स बची है, वहाँ पे वंडरिंग ट्रेडर आ गया। ये लो लैंटर्न्स पड़ी वो ले लो। वंडरिंग ट्रेडर तो सब वो हाँ वही चेक कर रहा हूँ क्या आकाशा वगैरह का। यार नो डार्क को खींचिए, क्या दे रहा भाई तू? कुछ भी नहीं दे रहा, सब बेकार माल दे रहा है। चलो आके सो जाते हैं फिर। और क्या करना है? हल्की से डेकोरेशन और करते हैं फिर हम ऑफलाइन रह के विलेजर्स ले आएंगे और आपको थोड़ा बहुत दिखा भी। अरे मैं तो स्टेयर ही चढ़ा। और ये हमको थोड़ी वाइन्स वगैरह भी लगानी है। वाइन्स आपके पास? वाइन्स वो बढ़ जाएगी ना उसको लगा देंगे। हाँ तो मेरे पास से वो अपना वो एक पास में स्वैंप वाला एरिया भी है। हाँ तो वो स्वैंप वाले से वाले वाइन्स भी ला के लगा देंगे। मतलब विलेजर आए, विलेजर आए। अरे वो एक अपने माइन में घुस गया, एक मार रहा हूँ मैं उसको। अरे मारने के लिए कोई और थे तो गाइस यार क्या हो रहा है? पिलेजर आ गए, एक है नीचे घुस गया, इसको पीछे से मारूंगा आगे से हम। अरे मेरे को मत मारो, अरे साला चोर कहीं का मुझे मार रहा, मर गया।
नहीं मरा। अरे मेरी हेल्थ कम है, हेल्थ कम है, हेल्थ कम है। एक नीचे गया है, एक नीचे गया है, देख क्या हूँ मैं। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, इसको बंद रहने नीचे। डिस्पॉन तो नहीं हो जाएगा? हाँ तो गाइस देखते हैं, इनने मारना शुरू कर दिया और ये एक्सपी का इकट्ठा कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं देख के आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, फिर वो मार देगा, फिर अपने को रेड करानी पड़ेगी। हाँ हाँ रेड नहीं करानी अपने को, रेड किसी और दिन कराएंगे। अच्छा हुआ ये विलेजर, विलेजर क्या वॉन्डरिंग ट्रेडर बच गया, तो ये प्लेजर की मौत मारा जाता। प्लेजर की नहीं, प्लेजर उसको मार के जाते नहीं तो। चल देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसकी लुक एकदम बढ़िया सी आ रही है। पहले तो बाहर की डेकोरेशन कर दो, एक काम करो यहाँ पे लगाना कि ये खिड़कियों के पास में, पर इतना नहीं अपने पास वो, चलो ऑफलाइन रख के कर देंगे अपन, है ना। अंदर से अपने को उसकी दिक्कत नहीं है, बेड वगैरह की ना। शूम लाइट लगा दो ना अंदर तो। ये क्या लगा दिया, वुड? वुड क्यों लगा दिया आपने ये कहाँ? ये सब कहाँ पर? अरे वुड्स क्यों लगाए इतने सारे? ये तो मैंने लगाए हैं काम से। क्या काम है? काम है देखना है, बताओगे काम? वही तो काम देखेगा तब तो मजा आएगा। वही तो काम पूछ रहा हूँ, कितने शूम लाइट है आपके पास? खत्म? मैं लाता हूँ थोड़े बहुत, लाओ। वो तो पॉट बनवा ला, पॉट। तो ब्रिक्स कहाँ है अपने पास? ब्रिक्स वो अपना वहाँ पर। चलो एक बार दिखा देते, फिर मैंने बोला ना अपन ऑफलाइन डेकोरेशन कर देंगे बाद में, फिर अगली वीडियो में दिखा देंगे थोड़ा अच्छे से और। ओके हाँ तो कैसे देख सकते हैं एकदम यहाँ पे, आपको एक बार वापस से लुक दिखाता हूँ कि कैसे लग रही है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखूंगा ना तो इसकी लुक एकदम बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, और हम अंदर विलेजर्स भी डाल देंगे और थोड़ी ट्रेडिंग वगैरह। नहीं आप बाद में करेंगे ट्रेडिंग, अभी नहीं देते। मैंने आपको थोड़ा अंदर से भी दिखाया था एक बार यहाँ पे, तो अंदर चल देते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं एकदम बढ़िया से लुक आ रही अंदर भी। तो अगर हमको जगह कम लगी तो हम नीचे एक फ्लोर बना देंगे, यहाँ से नीचे ले जाएंगे स्टेयर्स। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।